एलिमेंट्री डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल। तो आज इस वीडियो में हम लोग डेटा लिंक लेयर के प्रोटोकॉल्स की चर्चा करेंगे। एलिमेंट्री का मतलब आप सभी लोग जानते हैं, प्राइमरी डेटा लिंक लेयर, मतलब प्राइमरी लेवल पे डेटा ट्रांसमिशन के लिए डेटा लिंक लेयर पे कौन कौन से प्रोटोकॉल्स वर्क करते हैं उनको हम लोग इस यूनिट में, इस वीडियो में डिस्कस करें। अब देखिए, इसमें बेसिकली आपके तीन प्रोटोकॉल होते हैं, अनरेस्ट्रिक्टेड सिंप्लेक्स प्रोटोकॉल, सिंप्लेक्स स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल, और तीसरा प्रोटोकॉल है सिंप्लेक्स प्रोटोकॉल फॉर अननॉइजी चैनल। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है। फर्स्ट वन है अनरेस्ट्रिक्टेड सिंप्लेक्स प्रोटोकॉल, पहले इसका मतलब समझिए। इसमें होता क्या है, इसमें डेटा ट्रांसमिशन इन वन डायरेक्शन ओनली, एक ही डायरेक्शन में होता है सिंप्लेक्स मोड में, ऑलवेज रेडी फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग। इसमें क्या होता है कि सेंडर और रिसीवर, एज्यूम्सन जो किए जाते हैं कि सेंडर और रिसीवर दोनों ही हमेशा ही रेडी रहते हैं डेटा सेंड और रिसीव करने के लिए। प्रोसेसिंग टाइम इग्नोर किया जाता है इसमें, ठीक। इसमें क्या कहा जाता है कि सेंडर रिसीवर कैन जनरेट और कंज्यूम एन इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ डेटा, या ऐसे कह लीजिएगा इन शॉर्ट कि इनफाइनाइट बफर स्पेस अवेलेबल होती है किसके लिए, सेंडिंग और रिसीविंग के लिए। नो एरर टेक प्लेस ऑन द फिजिकल चैनल, चैनल पे कोई भी एरर जनरेट नहीं होती है। देखो प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल नहीं है, एरर तो आएगी ही, बट ये क्या है, एलिमेंट्री प्रोटोकॉल्स है। एलिमेंट्री मीन्स मैंने आपको बता दिया पहले ही, प्राइमरी लेवल के प्रोटोकॉल्स हैं। जब डेटा ट्रांसफर स्टार्ट हुआ तो कैसे कैसे हमारे प्रोटोकॉल्स का एवोल्यूशन हुआ, एक तरीके से ऐसे भी आप कह सकते हैं, है ना। तो पहले अनरेस्ट्रिक्टेड सिंप्लेक्स प्रोटोकॉल ये कहता है कि डेटा ट्रांसमिशन वन डायरेक्शन में होगा, हमेशा डेटा सेंडिंग और रिसीविंग के लिए सेंडर रिसीवर तैयार रहेंगे, प्रोसेसिंग टाइम को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, सेंडर और रिसीवर कभी, इनके पास इनफाइनाइट स्पेस होता है, बफर स्पेस होता है, कितना भी डेटा सेंड कर सकते हैं, कितना भी डेटा रिसीव कर सकते हैं, और फिजिकल चैनल पे कोई भी एरर नहीं होगी। अब देखिए इसका फिगर, ये देखिए हमारा सेंडर है और ये हमारा रिसीवर है। तो इसमें आप देखिए सेंडर कॉन्टिन्यूसली डेटा को सेंड करता जा रहा है, कितना भी अमाउंट ऑफ डेटा इसमें सेंड किया जा सकता है, और रिसीवर सारे डेटा को रिसीव कर रहा है। ये एक बेसिक थ्योरी है, एक डायरेक्शन में डेटा ट्रांसमिशन होता रहेगा। अब इसमें क्या चीज है, अभी इसमें ये पता नहीं चल रहा है कि डेटा पहुंचा नहीं पहुंचा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अब ये इवोल्यूशन आगे। तो प्राइमरी लेवल पे क्या है कि सेंडर रिसीवर को डेटा हमेशा सेंड करता जाएगा और रिसीवर डेटा रिसीव करता जाएगा। अब देखिए इसके आगे की कहानी, जो इसका नेक्स्ट हमारा प्रोटोकॉल है सिंप्लेक्स स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। इसमें क्या हुआ, इसमें एक्नॉलेजमेंट का कॉन्सेप्ट डाला गया स्टेप बाय स्टेप। देखो इसमें भी डेटा ट्रांसमिशन इन वन डायरेक्शनल, या वन डायरेक्शन में ही डेटा ट्रांसमिट होगा, बट मस्ट हैव बाई डायरेक्शनल लाइन। बाई डायरेक्शनल लाइन का मतलब कि एक टाइम पे कम्युनिकेशन तो एक ही डायरेक्शन में होगा, बट कह सकते हैं हम लोग हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स का मतलब एक टाइम पे वन डायरेक्शन एट ए टाइम, मतलब एक टाइम पे अगर ये सेंडर है ये रिसीवर है तो ऐसे ही वर्क करेगा, लेकिन हाँ दूसरे टाइम पर ये सेंडर और ये रिसीवर हो सकता है ना। तो इसलिए लाइन बाई डायरेक्शनल होनी चाहिए, बट डेटा ट्रांसमिशन जो होगा एक टाइम पे वन डायरेक्शनल होगा। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, तो ये हाफ डुप्लेक्स का कॉन्सेप्ट आप कह सकते हैं। यहां पर क्या है, रिसीवर हैज फाइनाइट नंबर ऑफ बफर कैपेसिटी। पिछले वाले में क्या था, इनफाइनाइट था, कितना भी डेटा रिसीव कर सकता था, बट यहां पर क्या था, यहां पर क्या कर दिया उन्होंने कि फाइनाइट, वो स्पेस जो था वो फाइनाइट कर दिया। अब इसमें तीसरा कॉन्सेप्ट जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल, सेंडर सेंड्स वन फ्रेम, सेंडर जो है एक फ्रेम को सेंड करेगा, देन वेट्स फॉर एक्नॉलेजमेंट। पिछले वाले प्रोटोकॉल में एक्नॉलेजमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, यहां पर क्या है कि सेंडर सेंड्स वन फ्रेम देन वेट्स फॉर एक्नॉलेजमेंट, जब उसको उसकी एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगी तब फिर नेक्स्ट फ्रेम वो सेंड करेगा। अब देखिए थोड़ा सा फिगर, फिर ये दोनों पॉइंट बाद में डिस्कस करते हैं। ये है हमारा फिगर, ये सेंडर है, ये रिसीवर है, ठीक। अब डेटा सेंड किया गया, फ्रेम सेंड हुआ, देन फिर इसकी एक्नॉलेजमेंट आएगी, जब इसको इसकी एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगी तब नेक्स्ट डेटा भेजा जाएगा, फिर इसकी एक्नॉलेजमेंट आएगी, जब इसकी एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगी तब फिर नेक्स्ट डेटा सेंड किया जाएगा। अब देखो इस एल्गोरिथम में क्या ड्रॉबैक है, सपोज करो ये डेटा लॉस हो गया, डेटा जो ये जा रहा था ये लॉस हो गया, तो अब यहां पर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि कितने टाइम बाद ये डेटा दोबारा भेजा जाएगा। अब होगा क्या, अगर डेटा लॉस हो गया है तो रिसीवर क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट भेजेगा ही नहीं, क्यों, इसको डेटा नहीं मिला है, और सेंडर नेक्स्ट डेटा नहीं भेज पाएगा, क्यों, क्योंकि इसको पुराने वाले की एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली है,
तो ये इसके ड्रॉबैक है। ठीक, दूसरी ड्रॉबैक सपोज करो एक्नोलेजमेंट लॉस हो गई। अब एक्नोलेजमेंट लॉस हो गई तो रिसीवर क्या करेगा, नेक्स्ट डेटा नहीं भेज पाएगा। क्यों? तब तक नहीं भेजेगा जब तक इसको पुराने वाले डेटा की एक्नोलेजमेंट नहीं मिल जाएगी। तो ये इसमें ये दोनों ड्रॉबैक थे। तो इसमें सिंपली केवल और केवल एक्नोलेजमेंट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। वही दो पॉइंट इसमें लिखे हुए हैं, क्या सेंडर सेंड्स द डेटा एंड डेटा इज लॉस्ट। अगर डेटा लॉस हो जाता है तो क्या होता है, रिसीवर इज वेटिंग फॉर डेटा, रिसीवर वेट करता रहेगा फॉर अ लॉन्ग टाइम, है ना। सिंस डेटा इज नॉट रिसीव्ड बाय द रिसीवर सो एक्नोलेजमेंट विल नॉट बी सेंड, इट डज नॉट सेंड एनी एक्नोलेजमेंट, एक्नोलेजमेंट सेंड नहीं करेगा। और जब तक एक्नोलेजमेंट सेंड नहीं करेगा तो सेंडर डज नॉट रिसीव एनी एक्नोलेजमेंट सो इट विल नॉट सेंड द नेक्स्ट पैकेट, ये अगले पैकेट को ट्रांसमिट नहीं करेगा। सेम कहानी ये है कि अगर सेंडर ने सेंड्स द डेटा एंड रिसीव्ड बाय द रिसीवर, ठीक, अब रिसीवर ने उसकी एक्नोलेजमेंट भेज दी, बट इफ एक्नोलेजमेंट इज लॉस्ट, अगर एक्नोलेजमेंट लॉस हो गई तो यहां पर डेटा लॉस था, अगर एक्नोलेजमेंट लॉस हो गई तो देयर इज नो चांस फॉर द सेंडर टू सेंड द नेक्स्ट पैकेट, नेक्स्ट पैकेट सेंड करने का प्रोविजन नहीं है। क्यों? जब तक कि उसको पुराने वाले की एक्नोलेजमेंट नहीं मिल जाती है, अंटिल द एक्नोलेजमेंट ऑफ द प्रीवियस पैकेट इज रिसीव। तो सिंप्लेक्स प्रोटोकॉल क्या कहता है, सिंप्लेक्स स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल क्या कहता है कि डेटा भेजिए लेकिन नेक्स्ट डेटा तभी भेजा जाएगा जब पुराने वाले की एक्नोलेजमेंट मिल जाएगी। मतलब इसके पास स्पेस क्या है, लिमिटेड बफर है। ये बात और इसमें इंट्रोड्यूस हुई। अब देखिए तीसरा एलिमेंट्री प्रोटोकॉल क्या है, यह सिंप्लेक्स प्रोटोकॉल फॉर नॉइजी चैनल। इस प्रोटोकॉल में क्या नया इंट्रोड्यूस किया गया, इसमें भी डेटा इज ट्रांसमिटेड ओनली इन वन डायरेक्शन, ठीक है, सेपरेट सेंडर एंड रिसीवर, ओके, फाइनाइट प्रोसेसिंग कैपेसिटी एंड स्पीड एट द रिसीवर, ठीक है। सिंस इट इज नॉइजी चैनल एरर फ्रेम्स इन एक्नोलेजमेंट इज एक्सपेक्टेड, यहां पर एक्नोलेजमेंट आएगी जो पहले वाले में भी आती थी। अब यहां पर दो चीजें ये नहीं की, क्या, ईच फ्रेम हैज अ यूनिक सीक्वेंस नंबर, जो भी फ्रेम बनाए गए उनको सीक्वेंस नंबर दिया गया जिससे कि प्रॉपर वे में अरेंज किए जा सके। आफ्टर ट्रांसमिशन ऑफ फ्रेम टाइमर इज स्टार्टेड, ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर टाइमर स्टार्ट होगा। बिफोर टाइम एंड्स इफ एक्नोलेजमेंट इज नॉट रिसीव्ड द फ्रेम इज रीट्रांसमिटेड, पुराने वाले में क्या था, वेट ही करता रहता था वो। अब यहां पर क्या हुआ, एक टाइम पीरियड डिफाइन किया गया, इतने टाइम पीरियड में अगर एक्नोलेजमेंट नहीं मिलती है तो फ्रेम को रीट्रांसमिट कर दिया जाएगा। तो ये मान लिया जाएगा या तो फ्रेम लॉस हुआ है या एक्नोलेजमेंट लॉस हुई है। अब देखिए इसका फिगर, ये इसका फिगर, ये सेंडर है, ये रिसीवर है, इसने फ्रेम वन भेजा, एक्नोलेजमेंट आ गई इसकी, ठीक है, फ्रेम टू भेजा, सपोज करो ये लॉस हो गया। अब एक टाइम पीरियड तक इसने वेट किया, जो टाइमर था उसके टाइम तक वेट किया, अगर नहीं मिला इसको इतनी देर में एक्नोलेजमेंट तो ये क्या करेगा, फ्रेम टू को रीट्रांसमिट कर देगा, देन फ्रेम टू की एक्नोलेजमेंट आ गई, फ्रेम ये फ्रेम थ्री अगेन ट्रांसमिट किया जाएगा। तो ये एलिमेंट्री डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल्स हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोटोकॉल्स में मॉडिफिकेशन करके हम लोग यहां तक पहुंचे हैं। अच्छा एक चीज और, इस प्रोटोकॉल के दो नाम और हैं सिंप्लेक्स प्रोटोकॉल फॉर नॉइजी चैनल के, इसी को बोलते हैं PAR, पॉजिटिव एक्नोलेजमेंट विद रीट्रांसमिशन। तो अगर कोई पूछे कि पॉजिटिव एक्नोलेजमेंट रीट्रांसमिशन PAR प्रोटोकॉल क्या है, तो इसी को आप एक्सप्लेन करेंगे। इसका मतलब क्या है कि इफ फ्रेम इज नॉट रिसीव्ड करेक्टली बाय द रिसीवर एक्नोलेजमेंट विल नॉट बी सेंड, अगर करेक्टली रिसीव नहीं हुआ है तो एक्नोलेजमेंट सेंड नहीं की जाएगी। और इसके बाद इफ द एक्नोलेजमेंट नॉट रिसीव्ड बाय द सेंडर द फ्रेम इज रीट्रांसमिटेड, तो फ्रेम रीट्रांसमिट किया जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्नोलेजमेंट विद रीट्रांसमिशन। इसी का ही एक दूसरा नाम है ARQ, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट प्रोटोकॉल ARQ। इसका मतलब क्या है, इट विल ऑटोमेटिकली रिपीट या फिर रीट्रांसमिट अ पर्टिकुलर फ्रेम या करप्टेड फ्रेम। मतलब अगर एक्नोलेजमेंट एक टाइम तक पीरियड तक अगर वेट करता है, अगर नहीं मिलती है तो फिर वो उसको ऑटोमेटिकली रिपीट कर देता है, तो इसीलिए इसको ARQ नाम से भी जाना जाता है। अब देखो मैं एक बार स्टार्टिंग से रिपीट करता हूं, पहला था अनरेस्ट्रिक्टेड सिंप्लेक्स प्रोटोकॉल। अब इसमें मैं पॉइंट वाइज आपको बता ही चुका हूं, मैं केवल डिफरेंस वाइज वे में लेता हूं। यहां पर क्या था कि सेंडर और सेंडर सेंड करता जाएगा, रिसीवर रिसीव करता जाएगा, दैट्स इट, सिंपल इतना ही प्रोटोकॉल है और कुछ नहीं था इसमें, ठीक। फिर आया हमारा सिंप्लेक्स स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। इसमें क्या हुआ, एक्नोलेजमेंट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया कि डेटा भेजते जाइए लेकिन ऐसे मत भेजिए जब पुराने वाले की एक्नोलेजमेंट मिले तब नया वाला भेजिए,
अब यहाँ पर क्या था, अगर डेटा लॉस हो जाए, एक्नोलेजमेंट लॉस हो जाए, तो ये कितने टाइम तक वेट करेगा भाई, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं था। तो इस कॉन्सेप्ट को लेके आए किसमें, सिंप्लेक्स प्रोटोकॉल फॉर नॉइजी चैनल में। इसमें क्या लेके आए कि भाई अगर एक्नोलेजमेंट आपको एक डिफाइंड टाइम पे नहीं आ रही है, जो आपका टाइमर है एक टाइम लिमिट डिफाइन कर देगी, उस टाइम तक नहीं आती है, तो आप दोबारा से उस फ्रेम को रिट्रांसमिट कर दीजिएगा। तो ये डेटा लिंक लेयर के एलिमेंट्री प्रोटोकॉल की स्टेप बाय स्टेप कहानी थी। ये तो हुआ थ्योरी पोर्शन, ठीक। अच्छा, इसके ये दोनों नाम ये मैंने आपको बता दिए। अब इसमें जनरली न्यूमेरिकल भी आता है स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल पे, इसकी एफिशिएंसी का, तो उसे और हम देख लेते हैं एक बार। इसका न्यूमेरिकल पोर्शन है, एफिशिएंसी पहले एनालिसिस करके देख लेते हैं, देन फिर मैं इसके एक एक तरीके का न्यूमेरिकल भी आपको करा देता हूं। देखो, ट्रांसमिशन टाइम क्या होता है, कितने तरीके के टाइम होते हैं आपको मैं पहले लिख देता हूं। एक होता है ट्रांसमिशन टाइम, है ना, ट्रांसमिशन टाइम। दूसरा क्या होता है, प्रोपोगेशन टाइम। ये सब मैं फर्स्ट यूनिट में बता चुका हूं, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं केवल प्रोपोगेशन। दूसरा क्यूइंग डिले, है ना। तीसरा प्रोसेसिंग डिले, प्रोसेस ट्रांसमिशन प्रोपोगेशन क्यूइंग और प्रोसेसिंग डिले, ठीक। मैंने इन जनरल लिख दिया, ठीक। तो ट्रांसमिशन टाइम, प्रोपोगेशन टाइम, ठीक है ना, क्यूइंग डिले, डिले या टाइम बात एक ही बात है, प्रोसेसिंग डिले, ठीक। अब ट्रांसमिशन टाइम अगर कहीं पर निकालना होता है तो आप कैसे निकालते थे, लेंथ अपॉन बैंडविड्थ, है ना। और प्रोपोगेशन टाइम आप कैसे निकालते थे, डिस्टेंस अपॉन प्रोपोगेशन स्पीड। इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन प्रोपोगेशन स्पीड, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ अपॉन बैंडविड्थ। ये आपको जनरली दिए जाते हैं, ठीक। अब अगर आपको टोटल टाइम निकालना हो, टोटल टाइम, तो आप क्या करते थे, सभी का सम कर देते थे। अब मैं बात करता हूं स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल के सेंस में, तो क्या होगा, ट्रांसमिशन टाइम इसका डेटा का, जो आपने डेटा भेजा, ठीक। फिर प्रोपोगेशन टाइम किसका, डेटा का, डेटा का ट्रांसमिशन टाइम और डेटा का प्रोपोगेशन टाइम, प्लस क्यूइंग डिले, है ना। तो ये मैं एक साथ ही लिख देता हूं, डिले क्या, क्यू का, प्लस डिले प्रोसेसिंग का, है ना, प्लस, ठीक। तो ये तो हुआ डेटा के लिए। अब एक्नॉलेजमेंट भी तो आती है इसमें, है ना। तो यहां पर इसमें प्लस कर देता हूं मैं आगे, क्या, ट्रांसमिशन ऑफ एक्नॉलेजमेंट, ट्रांसमिशन टाइम ऑफ एक्नॉलेजमेंट प्लस प्रोपोगेशन टाइम ऑफ एक्नॉलेजमेंट। तो ये हो गया पूरा टाइम, मतलब डेटा का ट्रांसमिशन प्लस डेटा का प्रोपोगेशन प्लस क्यूइंग डिले प्लस प्रोसेसिंग डिले प्लस एक्नॉलेजमेंट का ट्रांसमिशन टाइम प्लस एक्नॉलेजमेंट का प्रोपोगेशन टाइम, ठीक। अब देखो, अब इसमें से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब देखो, एक जनरल सा फॉर्मूला लगाते हैं, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके आपको बताता हूं। अब जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो जनरली क्यूइंग डिले, प्रोसेसिंग डिले और ट्रांसमिशन टाइम ऑफ एक्नॉलेजमेंट, इन तीनों को हम लोग नेग्लिजिबल मान लेते हैं। किसको किसको, इन तीनों को। तो इसको हम जनरली मान लेते हैं इक्वल टू जीरो, ठीक। तो अब हमारा टोटल टाइम कितना आया, टोटल टाइम हमारा आ जाएगा ट्रांसमिशन टाइम ऑफ डेटा प्लस प्रोपोगेशन टाइम ऑफ डेटा प्लस प्रोपोगेशन टाइम ऑफ एक्नॉलेजमेंट, ये नियरेस्ट टू जीरो रहती है, जो इतना हमारा पोर्शन था, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, डेटा का प्रोपोगेशन और एक्नॉलेजमेंट का प्रोपोगेशन, ये दोनों वैल्यू जनरली इक्वल ही रहती है, राउंड अबाउट अप्रोक्सीमेटली इक्वल। तो हम इसको एज्यूम कर सकते हैं कि टी टोटल टाइम जो हमारा होगा वो हो जाएगा अब टोटल टाइम प्लस टोटल टाइम ऑफ डेटा, ट्रांसमिशन टाइम ऑफ डेटा सॉरी, प्लस प्रोपो, इसको हम एक की टर्म यूज कर लेते हैं टीपी, तो ये हो गया हमारा 2 इंटू टीपी। तो एक आसान सा अगर मैं फॉर्मूला निकालूं कि टोटल टाइम जो हमारा निकल के आता है वो हो जाएगा ट्रांसमिशन टाइम प्लस 2 इंटू प्रोपोगेशन टाइम,
एक तरीके से ये हमारा टोटल फॉर्मूला हो गया, किसका, टोटल टाइम। ठीक, अब देखिए हम एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं। एफिशिएंसी जनरली कैसे निकाली जाती है, एक जनरल सा फॉर्मूला है सोचा कि कितना टाइम हम लोगों ने काम किया, ऐसे लिख लीजिएगा यूजफुल टाइम अपॉन टोटल टाइम, है ना, टोटल टाइम। तो यूजफुल टाइम क्या होगा, जितने में ट्रांसमिशन किया गया है, तो टी ट्रांसमिशन अपॉन टोटल टाइम क्या होगा हमारा, यही जो अभी निकाला है हम लोगों ने, टोटल टाइम प्लस टू इंटू प्रोपोगेशन टाइम, टू टी पी, इसको हटा दीजिए। ठीक, अब इसको मैं थोड़ा सा और आसान कर लेता हूं, इससे डिवाइड कर देता हूं टोटल टाइम सभी को, तो यहां पर हो जाएगा टोटल टाइम अपॉन टोटल टाइम, इसे डिवाइड कर रहा हूं मैं। ठीक है, मैं सब में अलग अलग पहले लिख देता हूं, प्लस टू टी पी अपॉन टी टी। अब एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, टोटल टाइम टोटल टाइम से डिवाइड हो गया ना, सब में डिवाइड कर दिया, तो क्या हो गया, वन अपॉन वन प्लस टू प्रोपोगेशन टाइम अपॉन ट्रांसमिशन टाइम। ठीक, तो इसको मैं एज्यूम कर लेता हूं ए, तो एफिशिएंसी इक्वल टू होगी वन अपॉन वन प्लस टू ए, वेयर ए की वैल्यू क्या हो गई अब, प्रोपोगेशन टाइम अपॉन ट्रांसमिशन टाइम। इतनी बात समझ में आ गई आपको, मैं रिपीट कर रहा हूं, टाइम इतने तरीके के होते हैं सारे, ट्रांसमिशन टाइम, प्रोपोगेशन टाइम, क्यूइंग डिले और प्रोसेसिंग डिले, है ना। तो ट्रांसमिशन टाइम कैसे निकालते हैं हम लोग, लेंथ अपॉन बैंडविड्थ, प्रोपोगेशन टाइम आप निकालते हैं डिस्टेंस अपॉन प्रोपोगेशन स्पीड से। तो टोटल टाइम क्या होगा, डेटा का ट्रांसमिशन टाइम, प्रोपोगेशन टाइम, डिले, दोनों डिले, प्लस एक्नॉलेजमेंट का ट्रांसमिशन टाइम और एक्नॉलेजमेंट का प्रोपोगेशन टाइम। ठीक, अब ये तीनों वैल्यूज नियर टू जीरो होती हैं, तो इसलिए हमको इसको नेग्लिजिबल मान लिया, और ये टाइम बचे ये तीन, इन दोनों को मैंने क्या किया, ये दोनों अप्रोक्सीमेट इक्वल होते हैं, तो मैंने टू टी पी ले लिया, तो टोटल टाइम हमारा आ गया ये। एफिशिएंसी निकालने के लिए यूजफुल टाइम और टोटल टाइम, जनरल, ये तो जनरल चीज है, एफिशिएंसी किसी की भी निकालनी हो ऐसे ही निकालेंगे। तो यूजफुल टाइम था ट्रांसमिशन और टोटल टाइम ये निकला था ये, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, तो ये आ गया वन अपॉन टू इंटू टी पी अपॉन टी टी, तो वन अपॉन वन प्लस टू ए, तो एक पर ये हमारा फॉर्मूला बन गया, और ए की वैल्यू क्या हो गई, प्रोपोगेशन टाइम अपॉन ट्रांसमिशन टाइम। ठीक, अब देखो इसमें एक चीज समझने वाली है, अगर किसी न्यूमेरिकल में आपको ये वैल्यू दे दी जाती है कि डिले दे दिया या प्रोसेसिंग डिले दे दिया या ये चीज दे दी, तो फिर आपको फिर ये वाला फॉर्मूला आप ऐसे नहीं करेंगे, फिर ये वाली चीज नहीं लगाएंगे कि 1 अपॉन 1 प्लस 2a लगा रहे हैं, तो मिस्टेक हो जाएगा। फिर आपको ये पूरा टाइम आपको यहां से कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा, और ट्रांसमिशन टाइम में यहां पर जो आप डिवाइडेशन लगा रहे हैं, ये चीज जो आप यहां पर डिवाइड कर रहे हैं, ये फिर पूरे से डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक जनरल सा फॉर्मूला लगाया बताया। अच्छा, कुछ जगह थ्रोपुट भी पूछ लेते हैं, तो थ्रोपुट के लिए मैं आपको पहले ही बचा चुका हूं, थ्रोपुट अगर आपको कहीं पर निकालनी है, टी एच आर ओ यू जी एच, थ्रोपुट, तो इसका फॉर्मूला होता क्या, एफिशिएंसी इनटू बैंडविड्थ, ये लगा दीजिएगा, तो इससे आपकी थ्रोपुट निकल के आ जाएगी। अब मैं न्यूमेरिकल लेता हूं दोनों तरीके का, तब आपको आसानी से समझ में आएगा। देखिए ये न्यूमेरिकल दिया गया है, इसमें दिया गया है क्या, 10 के बिट साइज, तो साइज दी गई है कितनी, फ्रेम साइज दिया गया है ये 10 के, मतलब 10 इंटू 10 टू द पावर 3 बिट, ओवर अ 10 एमबीपीएस सैटेलाइट चैनल, इसका मतलब क्या है, बैंडविड्थ आपको दिया गया है 10 एमबीपीएस, तो बैंडविड्थ हमारी हो गई 10 एमबीपीएस, तो 10 टू 10 टू द पावर 6 बीपीएस। इसके बाद क्या दिया गया, सैटेलाइट विद 270 मिली सेकेंड डिले, तो ये दिया गया है हमको, प्रोपोगेशन डिले दिया गया, प्रोपोगेशन डिले हो गया 270 मिली सेकेंड, मतलब 10 टू द पावर माइनस 3 सेकेंड। व्हाट इज द लिंक यूटिलाइजेशन, एफिशिएंसी निकालनी है फॉर स्टॉप एंड वेट ए आर क्यू, टेक्निक एज्यूमिंग पी इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 3, तो इसका कोई मतलब है नहीं। अब देखिए, तो हमने अभी आपको बताया, तो इसमें तो ऐसा कुछ दिया नहीं गया है, तो हम सीधा फॉर्मूला लेते हैं, एफिशिएंसी का क्या था, 1 अपॉन 1 प्लस 2 ए, सॉरी इस तरीके से लिखेंगे 1 अपॉन 1 प्लस 2 ए। ठीक, अब ए हमने अभी देखिए क्या निकाला था, प्रोपोगेशन टाइम अपॉन ट्रांसमिशन टाइम, टीपी अपॉन टीटी, लिख लीजिए आप ऊपर, प्रोपोगेशन टाइम अपॉन
ट्रांसमिशन टाइम। अब इन दोनों को जरा अलग निकाल लीजिएगा। प्रोपोगेशन टाइम आप कैसे निकालेंगे, अभी बताया था मैंने आपको, साइज अपॉन बैंडविड्थ, है ना। तो सॉरी, प्रोपोगेशन टाइम तो हमको दिया ही गया है, ये दिया गया है ना 270 × 10⁻³। ट्रांसमिशन टाइम हम लोग निकाल लेंगे, है ना, प्रोपोगेशन डिले तो दिया है। तो ट्रांसमिशन टाइम हम लोग कैसे निकालेंगे, साइज अपॉन बैंडविड्थ। साइज कितनी दी गई है, साइज कह लो या लेंथ कह लो, 10 × 10³ अपॉन बैंडविड्थ कितनी हुई, 10 × 10⁶। तो ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 10⁻³। ठीक, तो अब एफिशिएंसी आप निकाल लीजिए सीधा, 1/1 + 2। ए की वैल्यू क्या होगी, टीपी अपॉन टीटी, तो टीपी कितना निकला था, ये रहा, है ना। तो टीपी हो गया 270, मैं डायरेक्ट यहां पर रख रहा हूं, 10⁻³ अपॉन टीटी कितना हो गया, 10⁻³। तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1/1 + 0.540। तो ये हमारा आ गया 1/541। इसको जब आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल के आएगा 0.001848। अगर आप इसको परसेंटेज के टर्म में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 0.184%। दैट्स इट, ये इसका आंसर हो गया। तो ये सिंपल क्वेश्चन था जिसमें कि आपको कहीं पर भी कोई भी डिले नहीं दिया गया था, है ना। तो आप इस तरीके से कोई भी प्रॉब्लम स्टॉप एंड वेट की कर सकते हैं। अब एक ऐसा लेते हैं इसमें एक्नॉलेजमेंट का कंसिडरेबल टाइम दिया गया है, ये देखिए न्यूमेरिकल इसमें दिया गया है, चैनल हैज बिट रेट ऑफ 20 kbps, है ना, बिट रेट ऑफ 20 kbps दिया गया। इसका मतलब ये क्या दिया गया है आपको, बैंडविड्थ, है ना। मैं पहले लिख लेता हूं क्या क्या गिवन है। बैंडविड्थ दे दी गई 20 × 10³ bps। स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल यूज हुआ है, ओके, विथ फ्रेम साइज दिस। तो फ्रेम की साइज कितनी दी गई है, 4500 bit। डिले फॉर एरर डिटेक्शन एंड सेंडिंग एक्नोलेजमेंट बाय द रिसीवर इज 0.25 सेकेंड। ये देखो दे दिया इन्होंने, एरर डिटेक्शन एंड सेंडिंग एक्नोलेजमेंट, है ना। तो इसको मैं कहीं अलग कॉर्नर पे लिख देता हूं कि भाई 0.25 सेकेंड का क्या है डिले है, ये मुझे कंसीडर करना है। ठीक, करेंगे, बिकॉज ऑफ फॉल्ट, यहां पर मैं लिख देता हूं फॉल्ट की वजह से इतना डिले और बढ़ा। फाइंड द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ द चैनल इफ डेस्टिनेशन इज 30,000 किलोमीटर। मतलब डिस्टेंस हमको दे दी गई है 30,000 किलोमीटर, इतने मीटर, एंड स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द सिग्नल इज, तो प्रोपोगेशन स्पीड हमको दी गई है 2.8 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फाइंड द डिक्रीज इन एफिशिएंसी ड्यू टू फॉल्ट। तो हमने देखो दो चीजें इसमें निकालनी है, क्या, एक तो ये निकालना है डिक्रीज इन एफिशिएंसी ड्यू टू फॉल्ट, मतलब ये जो फॉल्ट हुआ जिसके वजह से 0.25 सेकेंड का टाइम ज्यादा लग रहा था, इसकी वजह से एफिशिएंसी कितनी क्या डिक्रीज हुआ, ये निकालना है। और ये पूछा गया है मैक्सिमम एफिशिएंसी, तो ये हम मैक्सिमम एफिशिएंसी भी कैलकुलेट करेंगे। ओके, अच्छी बात है। देखिए सबसे पहले आपको, पहले तो मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालते हैं, ठीक है। तो एफिशिएंसी मैक्स, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या है, कोई डिले नहीं, मतलब फॉर्मूला क्या लगेगा, 1/1 + 2a। तो अब a की वैल्यू क्या है, टीपी अपॉन टीटी, तो पहले मैं निकाल लेता हूं प्रोपोगेशन टाइम टीपी। तो प्रोपोगेशन टाइम कैसे निकलेगा, डिस्टेंस, अभी मैंने बताया आपको डिस्टेंस अपॉन प्रोपोगेशन स्पीड। तो ये दिया गया कितना, 30,000 × 10³ अपॉन 2.8 × 10⁸। ये दिया गया ना, डिस्टेंस ये दी गई है, प्रोपोगेशन स्पीड ये दी गई है। तो इसको हम थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए मैं ऐसे करता हूं, 3, 0, 4, 5, 6, 7, 3 बचा रहेगा, ये 0 कट गया, तो ये कैंसिल हो गया। तो क्या बचा ऊपर, अब 3/280, 2.8 है ना, तो ये 28 हो गया, 3/28। इसकी वैल्यू मैंने कैलकुलेटर से निकाल रखी है 0.1071। ठीक, अब निकालते हैं ट्रांसमिशन टाइम। ट्रांसमिशन टाइम कैसे निकालते हैं आप लोग, साइज अपॉन बैंडविड्थ या लेंथ अपॉन बैंडविड्थ। तो लेंथ कितनी दी गई है, लेंथ फ्रेम साइज कह लो, फ्रेम लेंथ कह लो, बात एक ही है,
4500 अपॉन बैंडविड्थ कितनी दी गई है 20 × 10³। तो मैं क्या करता हूं, ये दो जीरो तो यहां से कटे, तो यहां से ये कैंसिल हो गया, बचा 10, है ना। तो ये कितना हो गया 4500 अपॉन 200। इसकी वैल्यू जो हम निकालेंगे तो आ गई 0.225। तो ए की वैल्यू मैं यहीं पर निकाल लेता हूं, ए इक्वल टू टीपी अपॉन प्रोपोगेशन टाइम अपॉन ट्रांसमिशन टाइम। तो 0.1071 अपॉन 0.225। ठीक, तो इसकी वैल्यू जो हम निकालेंगे तो ये आएगा 0.476। ठीक, अब एफिशिएंसी मैक्स निकालिए आप, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, 1 अपॉन 1 प्लस 2a, तो 2 × 0.476, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.512। ठीक, या परसेंटेज के टर्म में कहेंगे तो 51.2%, 51.2%। तो ये मैक्सिमम एफिशिएंसी है। अब देखो, यहां तक तो आपके समझ में आ गई बात। अब जो इन्होंने ये कहा है कि भाई 0.25 सेकंड जो है ये फॉल्ट की वजह से टाइम बढ़ा, अब हमारा जो फॉर्मूला था 1 अपॉन 1 प्लस 2a, अब ये फॉर्मूला काम नहीं आएगा। क्यों, इसको हमें कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा। अब हम वापस चलते हैं उसी स्लाइड पे जहां पे मैंने आपको कैलकुलेशन बताया था, थोड़ा वहीं से समझा देते हैं फिर आपके समझ में आ जाएगा। ये देखिए, आपने क्या किया था, एफिशिएंसी कैसे निकालते थे, यूजफुल टाइम अपॉन टोटल टाइम। तो यूजफुल टाइम क्या था, टीटी, है ना, टीटी अपॉन दिस वन, है ना, यही तो था अपॉन में। तो अब ये फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा, देखिए कैसे, मैं यहां पे निकाल देता हूं, अगर एफिशिएंसी फॉल्ट की वजह से है, ठीक है ना। तो देखो क्या करेंगे आप, टोटल टाइम तो ट्रांसमिशन टाइम ही रहेगा, और सॉरी यूजफुल टाइम तो ट्रांसमिशन टाइम ही रहेगा, और टोटल टाइम क्या हो जाएगा, टीटी प्लस टू टीपी, जो ये था वो तो एज इट इज रहेगा ही। तो हम यहां पे लिख देते हैं ये टाइम तो है ही, प्लस टू टीपी प्लस, अब मैं इसमें 0.25 और एड कर देता हूं, मैंने ये सब देखिए नियरेस्ट टू जीरो कर दिया था ना, तो अब इसकी जगह पर मैंने क्या किया, जो हमारा ये लास्ट कैलकुलेशन आई थी ना टीटी प्लस टू टीपी, इसी में मैंने 0.25 दे दिया, क्योंकि फॉल्ट की वजह से टोटल कितना दिया गया है 0.25। ठीक, अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इस फॉर्मूले को, जिससे हम डायरेक्ट वैल्यू इसी में ही रख देंगे, फिर समझ आ गई बात, ये टोटल टाइम ये हो जाएगा। अब मैं इसमें से ट्रांसमिशन टाइम का डिवाइड कर देता हूं सभी में, तो यहां पर आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 2 टीपी अपॉन टीटी प्लस 0.25 अपॉन टीटी, सब में डिवाइड कर दिया। तो अब ये क्या बन जाएगा फॉर्मूला, 1 अपॉन 1 प्लस, ये तो a है, 2a प्लस 0.25 अपॉन ट्रांसमिशन टाइम। अब इस फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे। ठीक, तो वापस हम आते हैं अपनी प्रॉब्लम पे। तो अब क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी ड्यू टू फॉल्ट हम कैसे निकालेंगे, अब मैंने अभी कैलकुलेट करके निकाला, 1 अपॉन 1 प्लस 2 × a प्लस 0.25 अपॉन ट्रांसमिशन टाइम। तो ये कैसे निकलेगा, 1 अपॉन 1 प्लस 2 × a की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, कितनी आई थी, 0.476। तो 0.476 अभी निकाला था ना मैंने, ये निकला था, है ना, प्लस 0.25 अपॉन, और ट्रांसमिशन टाइम कितना था हमारे पास, ये निकला था 0.225। तो यहां पे आ गया अपॉन 0.225। अब थोड़ा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस, ये वैल्यू हो जाएगी 0.9522, मल्टीप्लाई कर लीजिए आप इसकी वैल्यू, प्लस इसकी वैल्यू जब 0.25 डिवाइड बाई 0.225 करेंगे तो ये आएगा 1.1111। ठीक, इस पूरे को जो हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 0.326, अगर परसेंट के टर्म में कहो तो 32.6%। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना था, एफिशिएंसी डिक्रीज कितना है, प्रॉब्लम यही तो थी, फाइंड द डिक्रीज इन एफिशिएंसी, है ना। तो डिक्रीज कैसे निकालते हैं, अब आप सीधा सा फॉर्मूला है यहां पर लिख लीजिए, जैसे हम लोग हमेशा करते आए हैं, डिक्रीज इन एफिशिएंसी, मैं ऐसे लिख देता हूं, परसेंट में अगर निकालना हो तो कैसे करते हैं आप, एफिशिएंसी मैक्सिमम माइनस एफिशिएंसी ड्यू टू
फॉल्ट अपॉन एफिशिएंसी मैक्सिमम मल्टीप्लाइड बाय 100। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी थी 0.512, ये निकाली थी ना हमने 0.512, है ना। तो आप आ जाइए यहां पर 0.512 माइनस फॉल्ट की वजह से कितनी निकली है 0.326 अपॉन 0.512 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो जब आप ये निकालेंगे तो ये हमारा आएगा 36.3%। तो फॉल्ट की वजह से इतने परसेंट आपकी एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि अगर और कोई टाइम आपको कंसीडरेशन में दिया जाता है तो उसको आप कैसे मैनेज करेंगे। सीधा फॉर्मूला में आप चेंज कर लीजिए, मैं वापस वहीं ले चलता हूं। ये जो फॉर्मूला आपने बनाया था ये यहां पर 1/1+2a निकालने के लिए यहां पे उस टाइम को प्लस कर लीजिए। तो वही चीज मैंने की थी, यहां पर प्लस 0.25 दे दिया था, देन फॉर्मूला चेंज कर लिया इसमें, फिर हमने यही चीज यहां पे प्रॉब्लम में इंप्लीमेंट कर दी। ठीक, तो अब ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व हो जाएगी। ये प्रॉब्लम गिवन थी, है ना, टीपी निकाला, देन फिर टीटी निकाला, फिर ए निकाला, 1/1+2a निकाला, फिर फॉल्ट का फॉर्मूला आपको बताया था, इसमें वैल्यू रखी, फॉल्ट की एफिशिएंसी निकाल ली 0.326, फिर डिक्रीज निकाल लिया, कितनी परसेंट एफिशिएंसी डिक्रीज हुई वो इस तरीके से निकल आई। इस तरीके से आपकी स्टॉप एंड वेट की प्रॉब्लम्स आपकी आती है। मैंने दोनों तरीके की प्रॉब्लम आपको दे दी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी कहीं कोई और डाउट आए, किसी प्रॉब्लम में आए तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा, हम आपको रिस्पॉन्ड करते रहेंगे। ओके, तो ये एलिमेंट्री डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल हमारा डेटा लिंक लेयर का कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल या विंडोइंग का कॉन्सेप्ट। ओके, थैंक यू।